सभी चलते हैं सर्द दबाने के लिए। टुडे सर यहाँ पे सारे लोग दबा रहे हैं, देख सकते हैं भाई। वीडियो बन रहा है, वीडियो क्या करेंगे बनाते। तो गाइस आज क्या है कि दबाना है सरसों, तो अरुडिस मिल चुका है अभी। तो अरुडिस दो तीन दिन हुआ आया हुआ है, इसे हम मिल नहीं पाए थे और क्योंकि इसका एग्जाम था। अभी खेत पहुंच चुके हैं। तो अरुडिस कब आया? वो हम आया 26 तारीख को। एग्जाम कैसा गया? एग्जाम बहुत बढ़िया जा रहा है। अभी आज भी एग्जाम है, कल भी था, परसों भी था, आज लास्ट पेपर है हमारा। उसके बाद इलाहाबाद। हाँ उसके बाद इलाहाबाद हम चले जाएंगे। अच्छा अच्छा भाई, साइकिल किसका गिरा भाई खेत में? ये यहाँ पे जो है ट्रैक्टर चल रहा है, खेत की जुताई हो रही है और यहाँ पे ये हमारा सरसों इतना है, इतना दबाना है अभी। और अरुडेश और हम हैं, अभी बाकी लोग अभी आएंगे। तो अरुडेश कितने साल बाद आ रहे खेत में हमारे? डेढ़ साल हो गया होगा। डेढ़ साल, कैसा लगता है खेत? अच्छा लगता है, लेकिन समय ना होने की वजह से आ नहीं पाते हैं। अच्छा, पहले ये जब आओ, आवाज इधर बहुत आ रही है, इधर चलते हैं। ट्रैक्टर की आवाज बहुत ही ज्यादा आ रही है, मजा नहीं आ रहा है। जैसे कि इसके पहले जो धान का रुपाई हुआ था, हाँ, तब हम आए थे। हाँ हाँ, आयुर्वेदिक अस्पताल है ये, इसी मिलेगा यहाँ। लिट्टी चोखा खाइए और दवा लीजिए तुरंत। सामने पल्ले बिछाते हैं चट्टा उट्टा। तो भाई सभी चलते हैं सर्द दबाने के लिए। तो अरुणेश और यहाँ पे सारे लोग दबा रहे, देख सकते हैं भाई। चलो भाई, अभी सर को दबा दिया है अरुणेश और अभी चलते हैं अरुणेश को छोड़ने के लिए, क्योंकि अरुणेश का एग्जाम है अभी। चलो भाई। तो गाइस अभी मैं खेत में आया हुआ हूँ और यहाँ देख सकते हैं कि कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ और मुझे अकेला ही भरना है सर को इस कट्टे में, और जो कि मैं एक हाथ से भर रहा हूँ गाइस। तो आप लोग जितने भी लोग हैं जो खेती नहीं करते हैं, तो प्लीज़ उन लोग से रिक्वेस्ट भाई कि अपना घर का काम और खेती बाड़ी जो भी हो सारा सब कुछ करे, पढ़ाई के साथ सब काम भी करे, घूमे भी। ऐसा नहीं है मत घूमे, घूमना भी अच्छा है, दिमाग कुछ ज्ञान मिलता है, सामाजिक सोशल एक्टिविटीज होना चाहिए भाई, लेकिन काम भी करिए आप लोग, फरमाइए मत, ठीक है भाई। और काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस यहाँ देख सकते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं इसे यार, नाम भूल गया मैं इसका, कोई पक्षी है। और यहाँ पे देखिए अपना कीड़ा वगैरह निकाल रहे हैं जमीन से। और मनोज भाई इधर, मनोज भाई क्या हालचाल है? ठीक है। और ये देख सकते हैं कि कीड़ा खाने के लिए सारे जो है पक्षी जो भी, इसका नाम नहीं पता है शायद। हे ऐसे इसको क्या बोलते हैं, कौन सा पक्षी है? हाई जो जो सब चुन रहे हैं, बकुला। बकुला तो गाइस देखिए मैं भूल गया नाम, तो बकुला है। और ये देखिए बकुला जो है मतलब जमीन में निकाल रहे हैं, क्योंकि खेत जुताई हुआ है तो जमीन से निकाल रहे हैं कीड़े वगैरह खाने के लिए, क्योंकि उन लोग का भोजन यही है भाई। और कुछ पक्षी जो है आसमान में उड़ रहे हैं, चिड़िया उड़िया जो भी हैं, कौवा वगैरह। इधर देख सकते हैं केले का पेड़ है और मेरे जस्ट पीछे है आयुर्वेदिक अस्पताल, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अंडर प्रोसेस में है, तो जल्दी ये भी बन जाएगा। तो गाइस क्या है कि अब जो है सारे जितने भी सरसों से मैंने सारे कट्टे में रख दिए हैं, और ये जितना भी त्रिपाल बचा हुआ है, चट्टा पल्ली जो भी बोलते हैं गाँव में मेरे, तो अब इसको अभी फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक एक करके ले चलेंगे घर, क्योंकि भाई साहब अभी है नहीं, वो गोलू का दवाना था, तो गोलू का भी गए हैं दवाने खेत में, उसे दवाना बोलते हैं इस लैंग्वेज, बाकी अब और लैंग्वेज नहीं पता है कि इस लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। बस जो है मैं वही बताता हूँ रियलिटी, मैं ज़्यादा वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करता, जो मुझे पता है मैं वही बताऊँगा। तो अभी जो है कि लेकर चलेंगे, रखेंगे। और आप लोग से एक मेरा निवेदन है कि मेरे मुख से अगर जो बोलने में कुछ दिक्कत हुई होगी तो आप लोग मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि भाई गांव में रहता हूँ तो भोजपुरी एक्सेंट आ जाता है, जो मैं जान के बोलता हूँ उसके लिए नहीं। और इधर देख सकते हैं कि मोनू जा रहे हैं। मोनू कहाँ जा रहे हो? घर। थोड़ा मदद करा देता मेरा, आ जाओ इधर, आ जाओ। तो भाई तो भाई अभी मोनू आ रहा है, तो मोनू अभी थोड़ा सा कैमरा हैंडल कर लेगा, और बाकी मैं इसको जो जितना भी है ये त्रिपाल में भी समेट लूँगा। चलो भाई
भाई मैं अभी अभी कैमरा हैंडल कर रहा है, तो मैं अभी जो है एक हाथ से ही से बैठूंगा अपने खुद, क्योंकि कोई है नहीं तो अकेले भी करना है, जैसे टैक्सी करके अकेले ही समेटना है। उसके बाद मोनू थोड़ा साथ दे देगा तो घर भी। ए मोनू, हाँ क्या थोड़ा सा हेल्प कर दोगे, एक दो बार पहुँचवा दो घर पे। किससे? घर पे बाइक पे रख के। चलो उसमें बोलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ चलो भाई, तुम मोनू मदद कर देगा भाई, मैं इसको भी समेट देता हूँ भाई, तो मैं इसको समेट दिया हूँ। बाकी ये बड़ी वाली दुकान है, ये तो हो चुका है, बस ये बड़ा त्रिपाल बचा हुआ है, तो भाई इसमें दो लोग लगेंगे, तो दोनों लोग अभी करके फिर मिलते हैं आपसे। चलो मोनू। वो भाई इसमें तो सरसों है, इसमें फोल्ड करके मतलब ढका गया था। चलो मोनू ऐसा करो, मैं इसको भर लेता हूँ तो फिर इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है? आ जाओ, पकड़ो फोन थोड़ा सा, भर लेते हैं। भाई अभी इसे समेट देते हैं, इतना समेट दिए हैं और अभी इस तरीके से समेटा जाता है। ये हो गया हम लोगों का सारा सामान इकट्ठा, और उसके बाद अब जो है बांध देते हैं, है ना मोनू? इसी बोरे में डाल देते हैं ना। तो गाइस मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताता हूँ कि खेत में मान लीजिए अगर जो जो आपके पास रस्सी नहीं है, तो वो होता है केला का पेड़, तो केले के पेड़ में उसे बोलते हैं नरचा, जो होता है तो रस्सी का काम करता है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमरजेंसी में आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, बोरे कट्टे बांधने के लिए जो भी है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बांधा जाता है, तो आप लोग देखिए इस तरीके से बांधा जाता है। इधर जूम करो भाई, देखिए ये है वो केले का जो बोलते हैं डंठल पत्तल जो भी कह लीजिए, उसी में सब ज्वाइंट रहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है आप इमरजेंसी में रस्सी का यूज कर सकते हैं, और काफ़ी मजबूत होता है ये। और ये ऐसा इसे आप जो है सूखा हुआ लीजिए, क्यों बोलूँ? और वैसा आप मत लीजिए। और देखिए ये जो है ये काम हो चुका है। चलो देख सकते कि मोनू ज़्यादा काफ़ी मेरा हेल्प कर रहा है भाई, और ये अचानक में जा रहा था तो मैंने इसे बुला लिया, मैंने बुलाया कि भाई देख लो कैमरा सही आ रहा है कि नहीं, तो फिर मोनू आ गया। मोनू आ गया थोड़ा सा मेरा हेल्प कर देगा, नहीं आ रहा तभी मैं कर लेता अकेले करके, कोई दिक्कत नहीं रहता। एक एक बोरे ले जाते, एक एक कट्टे घर पे पहुंचा देता तीन बार में जाके। तो अकेले भी काम कर सकते हैं आप, अगर जो आपके पास कोई हेल्प नहीं है तो आप अकेले भी काम कर सकते हैं, बस घबराइए मत, पेशेंस बनाइए और हौले हौले से काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई मोनू मैं बैठता हूँ गाड़ी पे, ठीक है? चलो भाई। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं घर, क्योंकि सामान देखिए पीछे लग चुका है और मोनू बैठा हुआ है। मोनू का शक्ल नहीं दिख रहा है क्योंकि सामान काफी ज्यादा है, तीन कट्टे हैं और मैं बाइक बैठ चुका हूं, तो अभी चलते हैं घर, आपसे घर मिलते हैं, क्योंकि मोनू संभाल नहीं पा रहा है। चलो भाई। ये गाड़ी चला रहा है, चला लेता, काफी अच्छा चला लेता है। और गाँव में क्या है कि सारे बच्चे गाड़ी मतलब बहुत ही कम उम्र में चला लेते हैं, शहरों वाले चलाते हैं, लेकिन गाँव में इसे क्या है कि खेत बाड़ी का काम होता है ना, तो ज्यादातर लोग अब सब लोग भाई हाईटेक जमाना है, तो सब लोग स्मार्टली काम करना चाहते हैं, कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता उस हिसाब से। चलो लेट हो जाएगा ना, खाना भी खाना है। चलो तो मैं इंट्रो फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि मैं घर पे मतलब काम के चक्कर में भूल ही गया था। तो हे गाइस कैसन बा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हो चुका है पूरा समाप्त, तो अभी चलते छत पे चाय वगैरह पीते नाश्ता करते हैं। मेरे दादाजी लग रहा है कहीं गए हैं तारीख देखने के लिए। तो माता जी खाना ना हो गया है? लाइए भाई, बहुत जोर की भूख लगी हमको। मम्मी अभी देखिए खाना निकाल रही है, यहाँ पे खाना निकाली। क्या बना है? दाल चावल सब्जी रोटी चाय? तो है, चलो भाई खाना निकालो। राइस जो है मम्मी देखिए अभी खाना निकाल रही है, क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी है। ओ भाई कोई रास्ता लगता है, कोई रास्ता भटक गया है ना भाई। लल्ला इधर सो गया, लल्ला 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 ले ले ले, आजा 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 आजा, देखिए उठ गया तुरंत, आजा आजा खाना खाते आजा। तो इधर देखिए मेरा खाना आ चुका है। अरे भाई कोहड़ा सब्जी नहीं खाते हम, नहीं सही लगता है। रात वाली सब्जी नहीं आलू की? अच्छा कल तो हम लोग गए थे सूरज के बाबा बता रहे थे वहाँ पे, फिर वो ब्रह्मभोज तक वहाँ पे मैं खाया था। ठीक है मिर्चा उर्चा दे दो, हरा मिर्चा चाहे वो भरू मिर्चा वो भी जो भी है वो लेके आओ, खाते हैं भाई इसी को ही।
तो गाइस देखिए मैं खाना पूरा खा चुका हूँ और अभी चलते हैं हाथ वो धुल लेते हैं। तो गाइस मैं दुकान पे बैठा हुआ हूँ और इसलिए क्योंकि बाहर जो छोटा वाला नर्सरी था उसमें मैंने पानी वगैरह डाल दिया पौधे में। बैठे हैं ग्राहक के इंतजार कर रहे हैं, देखते कौन आ रहा है। भाई लग रहा है कोई आ ही रहा है। अभी पहुँच चुके हैं कॉलेज के बाहर और यहाँ पर देखिए चाय हम लोग, ये रहा चाय। और मंजू का है एग्जाम अभी, अभी दो बजे एग्जाम है, अभी चाय पी लेते हैं। तो इतनी कड़क धूप है कि जैसे गमछा बांध के आना पड़ रहा है। फोटो वोटो खिंचवाया जा रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। ओ भाई फोटो वोटो क्लिक करवा रहे हैं यहाँ पे। कब तक हम बाहर वेट कर रहे हैं? ठीक है हाँ, पाँच बजे तक यहीं रहेंगे। भाई काफ़ी ज़्यादा धूप है अभी तो। और ये रहा कॉलेज, तो देखिए भाई सिस्टर जा रही है अंदर एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ कॉलेज, तो इसी कॉलेज में एग्ज़ाम हो रहा है और मैं इधर एक बागीचा उसी में बैठा हुआ हूँ। छायादार वृक्ष है यहाँ पे, देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पे आपके सामने ही हैं, कहीं पहुँचे नहीं हैं। मोबाइल पहुँच गया 4041 होने वाला सब्सक्राइबर, कितना पहुँचेगा? लाभ धन तभी आएगा जब मोनेटाइज हो जाएगा, तब हाँ 2-4 वीडियो कम से कम 10 लाख 5 लाख चल जाए फिर मोनेटाइज होएगा उसी में। और क्या हाल, बढ़िया है? बढ़िया है। ब्लॉग बन रहा है आप लोगों का? वीडियो बन रहा है। वीडियो क्या करेंगे बनाते हैं? भाई दो वीडियो बनाते हैं, एक ब्लॉग वाला एक डांस वाला, डेली ब्लॉग बनाते हैं। कौन सा इंजन खुला है? क्या खुली, क्या गाड़ी है ये? डॉक्टर की गाड़ी है। मिल भैया और सब बढ़िया है? बस आपकी याद आती है कभी कभी, तो इसीलिए तो हम आ गए, आए थे एग्जाम दिलाने सिस्टर का, इसीलिए हम कहीं चलते वहीं थोड़ा बैठते हैं। तो गाइस तब तक यहीं पे वेट करते हैं, उसके बाद एग्जाम जैसे ही होगा फिर चलेंगे घर। एग्जाम चल रहा है सिस्टर का और मेरे एक दुकान पे हम बैठे थे तो वहाँ से जस्ट अभी आ गए, कुछ खा पी की दुकान पे खाया मैंने, वहाँ थोड़ा था मैंने फिर नहीं दिखाया। अभी एक पार्क के बगल में, यहाँ देखिए सामने पार्क है, यहाँ पर मैंने वीडियो शूट किया था अपना डांस वाला। एक लड़की जो है बाहर निकली है, और 2-3-4-5 देखिए सारे बच्चे आ चुके हैं, एग्जाम हो गए खत्म जा रहे हैं। बाबा जी तो गाइस अभी आ चुके हैं एक पौधा लेके लगवाने के लिए, तो यहाँ पे लगवाएंगे। भैया पहुँच चुके हैं भैया के दुकान पे। भैया आपका जो है पौधा हम रख दिए आपके अंडरग्राउंड वाले जो बचा हुआ आपका स्टोरेज। अच्छा अच्छा, तो अपना पौधा आप देख लीजिए, जब मन हो तो लगवा लीजिए फ्राइडे को, शुक्रवार को, जैसी आपकी इच्छा।